नदी के किनारे देखो, बालू चल रहा है नीचे, ये देखिए आप, आपको देखने में। मेरा पति जी भी आ गए घर पर। हाँ बाबू के नहीं तो घर वाली के संरक्षण में सही, क्यों कुछ ना कुछ भय तो होना चाहिए ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल, सब लोग बढ़िया होंगे बाबा मद्धमेश्वर की कृपा से। मेरे दोस्तों, इस समय है हम अगतोली धार, तो यहाँ गाड़ी बहुत ही सारी हैं, तो लग रहा है मुझे कि काफ़ी अच्छी यात्रा आजकल चल रही है मद्धमेश्वर क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ, देखिए यहाँ भी बैठे हुए हैं मुसाफिर लोग। तो शाम की 6 बजने वाली हैं और देखिए ऊपर ये धूप ऐसी इस खिली हुई है इस समय, और जो ये पीक है ना, ये चोखम्मा पीक का सिरा है, वो धूप ऐसी इस समय, अब लास्ट जाएगी ये, सीधा चले जाएगी तो अंधेरा ही होगा। देखिए ये इस समय की ये सीनरी है कुछ, ये देखिए आप। तो ऐसे घने जंगलों से हमको रास्ता को तय करना पड़ता है कुछ इस प्रकार, और ये दिख रहा है गांव गोंडार। तो अभी मुझे यहाँ से और वहाँ 3 किलोमीटर पूरा सफ़र तय करना है, तो अंधेरे अंधेरे तक पहुँच जाऊँगा मैं भी घर। तो ये कहानी कुछ हम गढ़वालियों की है, पहाड़ियों की। पेड़ों के अंदर ना यात्री आ रहे हैं, देखिए आप, ये चल रहे हैं यात्री। तो 6 दिन के टूर के बाद मेरी घर वापसी हो गई है, और मैं हूँ इस समय ये लिंगड़ा कहते हैं एक स्थान, गोंडार और रांची के बीच घना गोर 29 के पेड़ों का जंगल है, ये देखिए मेरे पीछे। और पीठी में बैग, हाथ में ये पन्नी, 10 किलो का वेट होगा। तो पहाड़ी गढ़वाली लोग बिना सामान के भी नहीं मानते हैं, जिनके गांवों अभी रोड नहीं है, क्या करेगा बेचारा, ले जाना ही पड़ेगा खाने के लिए, पीठ में भी कुछ कुछ, घोड़े खच्चरों में जाएगा तो कुछ पीठ में भी ले जाना ही पड़ेगा इमरजेंसी सामान। और ये ट्यून आप सुन रहे होंगे ना, ये शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा अंधेरा होने लग गया है, ये देखिए, और ये ट्यून ऐसी लग रही है। ये जंगल, मैं बताता हूँ आपको कैसा जंगल है यहाँ पे। घर वापसी हो गई है हमारी, वही अपना भिमसी के देरा। तो दोस्तों बहुत दूर है भालू नीचे नदी के पार, पानी पी रहा है वहां पे ये काला। तो नदी के किनारे देखो, भालू चल रहा है नीचे, ये देखिए आप, आपको देखने में आ रहा है भालू, ये है भालू चल रहा है नीचे, ये देखो पानी के अंदर जा रहा है, ये देखा आपने, ये भालू है, ये देखो ये भालू, भालू देखो इधर की तरफ आ रहा है नदी में, ये देखो ये पत्थर में चढ़ गया, ये बाप रे, ये देखो ये देखते हैं क्या करता है वो, हैं आप देखते रहिए, ये है ये ऊपर जा रहा है, अब वो झाड़ी में जाएगा ऊपर जंगल की तरफ, इधर तो नदी है, देखिए आप, ऊपर जा रहा है। तो आते आते शाम हो गई, और ऊपर मैं दिखा रहा हूँ धूप छुपने वाली है, अब सीधा अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। आ गए तुम? आ गए, मर गया। क्या क्या लाए थे? अरे
वो थकान लगी है। कहाँ कहाँ गए तुम तो? जाना कहाँ था यार, जहाँ गया हूँ सब तुमने देख लिया होगा वीडियो में। आज आए पहले कहाँ गए? आज तो आप कल देखेंगे ना वीडियो में कहाँ गए। इंक्वायरी ले रही है मेरी पूरी घर वाली भी कर दे होते हैं कुछ नहीं, कितना सिर दर्द हो रहा है इन घर वाली के साथ। पर कोई बात नहीं, जिसकी मम्मी पापा नहीं है तो घर वाली के सुरक्षा में तो रहना ही पड़ेगा ना। अरे आप पूछना ना कहाँ कहाँ गए तुम। बहुत थकान लगी, बुढ़ापा आ गई यार। बुढ़ापा आ गई सरकार। अब पानी पूनी रख दूँ, थोड़ा नहा लो। अभी नहाना है, पानी पिला दो। ये कागरी किसके लिए? तुम्हारे लिए। पहले से भी बोले कि हनुमान हनुमान हनुमान। नाना ठीक जो नहीं है ना ना। हाँ? दरिया। दरिया वन इमेलर वो वो। ये तो ऐसा चाव आप कर लियो। लेकिन गृहस्थ जीवन अगर कटना है ना आप सभी लोगों को, जो भी हम गृहस्थ होते हैं, तो घर वाली की भी बात माननी पड़ेगी भाई। उनकी रेख देख में संरक्षण में पति को पत्नी के और पत्नी को पति रेख रेख में, क्योंकि आज दुनिया ऐसे है ना दो छोटी छोटी चीजों में भ्रमित कर देगी ना दो ये। और ये एक साथ बहुत बड़ा होता है पति और पत्नी का। दुनिया चाहे कुछ बोले लेकिन पति को अपने पति के बारे में समझना और पत्नी को अपने पति के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है। तो ये जानकारी मेरे दोस्तों मैंने यही जीवन में पाया है। तो उस दिन मेरे लिए इतने थोड़ी लाई जितना मैं लाया, देख एक किलो सेब अदरक कागजी ये भी खोलने में या। चार किलो तो अलग अलग सामान लाया मैं तेरे लिए, ठीक है। अदरक लाया, नींबू लाया, बैग में क्या लाया या मिठाई भी लड्डू लड्डू वाला तेरे लिए उजाला करने के लिए बल्ब भी लाया, ठीक है। ये अपने बालों के लिए लाया मैं काला। अरे ये तो दुनिया भर गए अपने मर्जी से। ये शैम्पू लाया, ये तुझे गोरा बनाने के लिए क्या लाया ये दूसरा चीज लाया, दवाई भी लाया। इस बार था मेरे पास दुनिया भर का ये क्रीम। अभी इतना सामान लाया मैं, बुखार की दवाई भी लाया तेरे लिए सिर दर्द बुखार की। बोलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ख्याल रखता हूँ तेरा शरीर का, तू थोड़ी रखती इतना। क्यों नहीं, लोग एक दो अखरोट भी देता ना, मैं तुम्हारे लिए रखता है। कुछ भी देता, एक मूरी भी देता तुम्हारे लिए, काकड़ी भी देता तुम्हारे लिए। तो लक्ष्मी भी है मेरी एक तरफ से, घर वाले तो आई, तो तीन चीजों में दिखती है वो लोग घर की। एक लक्ष्मी, एक माता, खाना बना रही है तो कौन है माता, साथ में बातचीत कर रही है इधर उधर की बातें ऐसा तो कौन है लक्ष्मी, घर वाले। रुपया संभाल रही है तो कौन है लक्ष्मी। तो कर दिया ऐसा तीनों काम पक्का पूरा। ये तुम्हारे लेबर भी परेशान कर दे रहे मेरे को। क्या कर रहे? बोले ठेकेदार जी कहाँ गए भाग गए। एक आदमी के इतने धंधे हैं यार क्या करूं। चाय बना दूं पहले? हां बना दो। उसके चूल्हे में क्या पहले चाय बना दूं तब तुम्हारे लिए पानी रख दूं गरम नहाने के लिए? अभी तो ना नहीं नहाना है मुझे, जब मैं नहीं नहाऊंगा यार। जब से तुम यहां से निकले ना तब से अभी तुम नहीं नहाए। नहाने नहाले नहाए तब से नहाना। सच्ची कहां नहाना था? कोई नहीं नहलाने वाले, केवल तू ही है। तुमको तो खाली ऐसे लग रहे काम काम, मेरी बीवी कैसी है, मेरा बच्चे कैसे है, खाली बच्चों की बीवी का पीछे पड़ रहे हैं। ख्याल रखो ना, जाने दो दुनिया को बाहर, खुश रहो या दुनिया में ऐसे हो रहे। कब तक जलाएंगे अपने जुगड़े? अच्छा क्यों मन किसी के पीछे? बच्चों को हमारा फर्ज है पढ़ाने। क्या कर रहे हो, कह
गुस्से में सारे बढ़िया है। मिले सारे दोस्त? सब मिल गए।